दो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखे नंबर सिस्टम के, अब कुछ और सवालों पर आगे चलते हैं। कुछ और सवालों को भी सीखेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी सीखेंगे, भाज्यता का नियम क्या है, कौन संख्या किससे कटती है, दो से कौन सी संख्याएं कटेंगी, तीन से, नौ का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का रूल देखेंगे। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। वन माइनस वन अपॉन थ्री, वन माइनस वन अपॉन फोर, वन माइनस वन अपॉन फाइव, डैश डैश वन माइनस वन अपॉन एन। ये सवाल एसएससी का बहुत फेवरेट सवाल है, एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है और कई सारे एग्जाम में ये बार बार पूछा भी गया है, बहुत फेमस सवाल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री, फोर माइनस वन फाइव, सीरीज बन जाएगी टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव। आगे चलेंगे, एन माइनस वन अपॉन एन, तो एक सीरीज बन गई टू थ्री फोर, यहां से थ्री फोर फाइव। अगर हम देखते हैं सीरीज किस तरह से कट रही है, थ्री से थ्री, फोर से फोर, फाइव से फाइव, और जो यहां पर होगा वो इसको काट देगा, क्या बचेगा टू, यहां क्या बचेगा एन, ये इसका आंसर होगा। अगर ये सवाल कभी भी दिख जाए तो इसका आंसर होगा टू बाई एन। बहुत कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसी टाइप में सवाल है, हम इस सवाल को देखते हैं। वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन फोर इंटू फाइव, डैट डैश वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। एक ये सवाल है, इसी के सवाल, सेम सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। वन अपॉन वन इंटू टू, पॉइंट बिल्कुल नीचे लगेगा, वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर, वन अपॉन फोर इंटू फाइव, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। सेम सवाल तीसरे तरीके से कैसे पूछा गया, ये तीन सवाल बारी बारी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तीसरे तरीके से सवाल ये पूछा गया है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन ट्वेल्व प्लस वन अपॉन ट्वेंटी, डैश डैश वन अपॉन एन एन प्लस वन। ये तीन सवाल हैं, तीनों बारी बारी से पेपर में पूछे गए हैं, इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है कि इसका मान पूछा जाता है कि इसका मान एक के बराबर होगा, एक से छोटा होगा, या एक के बराबर होगा, एक से छोटा होगा, या एक से बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। हम किसी एक को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ये तीनों का मेथड एक ही होगा। हम पहले को सॉल्व करते हैं, तो जहां पर इंटू लगा है वहां पर हम माइनस करेंगे और देखेंगे क्या फंक्शन की वैल्यू बदल रही है। अगर बदल रही है तो फिर हम माइनस नहीं करेंगे, अगर नहीं बदल रही है तो माइनस कर भी सकते हैं। अगर हम चेक करें पहले वाले को, तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू, अगर वन में वन बाई टू को माइनस भी करेंगे तो क्या बचेगा, वन बाई टू बचेगा। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस करने पर। हम प्रोसीड करते हैं आगे, वन अपॉन टू माइनस का वन अपॉन थ्री, यहां पर भी आप देखिए वन अपॉन सिक्स है और इसे भी सॉल्व करके देखेंगे तो वन अपॉन सिक्स ही रहेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो टर्म्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दें, उन्हें हटा सकें और अपने फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकें। हम आगे सॉल्व करते हैं, वन अपॉन थ्री हो चुका, वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फाइव, सॉरी वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, देन वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर प्लस डैश डैश, इस तरह से आगे चलेंगे तो होगा वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन।
यहां पर क्या होगा, माइनस का 1 बाई टू प्लस का 1 बाई टू, माइनस का 1 बाई थ्री प्लस का 1 बाई थ्री, माइनस का 1 बाई फोर प्लस का 1 बाई फोर, तो इस तरह से कटेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर एक टर्म्स शुरुआत में छूट गया है तो एक टर्म्स लास्ट में भी छूटेगा, मतलब ये भी कट होगा। क्या आ जाएगा आखिरी में, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। मान क्या होगा फंक्शन का, एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। सॉल्व करेंगे, वन से वन खत्म, एन अपॉन एन प्लस वन। इन तीनों सवालों का जो आंसर होगा, तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा एन अपॉन एन प्लस वन। मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं देगा वो, ऑप्शन इस तरह से दे रहा है कि इस फंक्शन का जो मान होगा वो एक के बराबर होगा, इक्वल टू वन या ग्रेटर देन वन या लेस देन वन। तो हम यहां पर रख के देखते हैं, एन बराबर वन टू थ्री फोर कुछ भी, एन बराबर वन रखिए तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा, वन बाई टू, टू रखिए तो टू बाई थ्री, थ्री रखिए तो थ्री बाई फोर, फोर रखिए तो फोर बाई फाइव। मतलब ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लेस देन वन, मतलब फंक्शन हमेशा एक से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये तीनों फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग बार पूछे गए हैं। कभी इसको पूछा है, कभी इसको पूछा है, कभी इसको पूछा है, तो कुछ भी पूछ सकता है, वहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मान आता है हमेशा एक से छोटा। कुछ और सवालों में चलते हैं। एक से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर कितने जीरो होंगे, हाउ मैनी जीरो। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ जीरो को देखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो को देखने के लिए सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि जीरो मिलता कैसे है। हमें जीरो मिलता है फाइव से। जब तक फाइव नहीं होगा तब तक हमें जीरो नहीं मिल सकता। मतलब यह है कि जितने फाइव होंगे उतने ही जीरो होंगे, मतलब जितना फाइव उतना ही जीरो। मतलब अगर वन से टेन की सीरीज पर चलें, वन टू टेन पर अगर हम देखें तो वन टू टेन पर हमें कितने फाइव मिलेंगे, तो वन टू टेन पर हमें एक फाइव तो आसानी से मिल जाएगा, और एक फाइव हमें मिलेगा टेन के अंदर, फाइव इंटू टू। इसका मतलब है वन टू टेन की सीरीज में हमें दो फाइव मिलेंगे, इसका मतलब है हमें यहां पर दो जीरो मिलेंगे। अगर हम यही काम 11 से 20 पर चलें तो 11 से 20 पर भी हमें 15 पर 5 मिलेगा एंड 20 पर भी 5 मिलेगा, 5 इंटू फोर, मतलब यहां पर भी 2 मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम 100 तक देखेंगे तो हमें कुल मिलाकर 24 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो, 24 जीरो। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सवाल पेपर में आ चुका है तो अब शायद मे भी ये सवाल ना आए, वो कुछ नंबर चेंज करें, वो 100 को 150 भी कर सकते हैं, 100 को 200 भी कर सकते हैं। तो हर बार की तरीके 24 आंसर नहीं होगा। जैसा 24 आ चुका है इसका आंसर, 24 सभी लोगों को शायद याद भी है, तो हमें इसका तरीका देखना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका होता है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स को देखें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, 100 टर्म्स हैं, तो कितने 5 होंगे। तो पहले हम देखें कि 100 नंबर के अंदर कितने 5 हैं, तो 100 नंबरों में कुल मिलाकर 20 5 हैं। इन 20 5 के अंदर भी कुछ 5 है, जैसे 25 के अंदर 2 5 है। अगर 25 के अंदर देखा जाए तो 25 के अंदर 2 5 है। ऐसे 100 के अंदर देखा जाए तो 100 में क्या मिलेगा, 100 के अंदर भी 2 5 है। ऐसे ही कुछ संख्याएं हैं जिनके अंदर 2 2 5 है। तो 20 संख्याओं के अंदर भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर कितने 5 हैं, तो इनके अंदर भी 4 5 हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ 5 होगा 24, और 24 अगर टोटल नंबर ऑफ 5 है तो 24 ही हमारे टोटल नंबर ऑफ 0 भी होंगे। इसका मतलब है एक से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर 24 जीरो मिलेंगे। यह सवाल तो हो गया। अब ये सवाल आएगा नहीं पेपर में क्योंकि आ चुका है। तो अगर हम नंबर चेंज करें, मतलब 1 से लेकर 200 तक चलें, तो नंबर अब जीरो कितने होंगे, तो यहां पर n बराबर क्या होगा, 200। हमें पहली नजर में देखने पर कितने 5 मिलेंगे, तो 40 मिलेंगे। 40 के अंदर हिडन 5 कितने होंगे, तो 8 होंगे। अब 8 के अंदर भी कोई 5 है, यस है, कितना है, एक है। तो इसका मतलब है कि अगर एक से लेकर 200 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो होंगे 49।
49 जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो 49 होंगे। नेक्स्ट बात है कि अभी अभी पुलिस का री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम में एक सवाल पूछा गया पुलिस में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इस बात को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें, मान लीजिए हम एक का वर्ग कर रहे हैं तो यूनिट वैल्यू में क्या मिलेगा, 01। अगर हम दो का वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 04। तीन का वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 09। चार का स्क्वायर करेंगे तो 16। पांच का 25। छह का 36। सात का 49। आठ का 64। और नौ का स्क्वायर क्या होगा, 81। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें एक मिलेगा, चार मिलेगा, नौ मिलेगा, छह मिलेगा, पांच, छह, नौ, चार, एक, लेकिन हमें कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर दो नहीं मिलेगा, कभी हमें तीन नहीं मिलेगा, कभी हमें सात नहीं मिलेगा और कभी हमें आठ नहीं मिलेगा। मतलब ये चार अंक हमें कभी नहीं मिलेंगे स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर ये चार अंक कभी भी नहीं मिलेंगे, दो, तीन, सात और आठ। हम एक की बात करें या ग्यारह की बात करें, ग्यारह का स्क्वायर भी करेंगे तभी एकाएक अंक एक होगा। हम दो की बात करें या बारह, बाईस, बत्तीस, कुछ भी हो, एकाएक अंक चार होगा। तीन, तेरह, तेईस, तैतीस, किसी की बात करो, एकाएक अंक नौ होगा। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक दो, तीन, सात और आठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सवाल यह था, कह रहा था बताइए निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, वहां चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। ये चार ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए थे, पहला ऑप्शन है 75625, देन दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया था 30976, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था 29561 और चौथा ऑप्शन था 143642, में भी यही था। ठीक है, या हो सकता है इसी टाइप में कुछ हो। करा बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर हमें नियम पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम बड़े आसानी से इजिली बता सकते हैं कि चौथा ऑप्शन क्या होगा, इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, दो है। दो इसका इकाई का अंक है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के अंक में दो नहीं आता। इसका मतलब यह है कि दो अगर इकाई के अंक में है, या तीन है, सात है, आठ है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ये पुलिस में पेपर में पूछा गया था सवाल, री एग्जाम में, ये री एग्जाम में पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो यूपी में पूछा गया है, मे भी पूछ भी सकते हैं कि कौन पूछ लेगा आपसे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इजी सवाल है, इजी टू सॉल्व, आसानी से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी हमको नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा जानते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, रूल ऑफ भाज्यता का नियम क्या है, तो थोड़ा सा भाज्यता के नियम को सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता का नियम क्या होता है। भाज्यता का नियम क्या है, हम एक से लेकर ग्यारह तक के रूल देखेंगे। दो का नियम क्या है, कौन सी संख्या दो से कटेंगी, कौन सी संख्या दो से नहीं कटेंगी। तो दो का रूल यह है कि कोई संख्या दो से तभी कटेगी, तभी डिविजिबल होगी, तभी विभाजित होगी, जब उसके इकाई का अंक एक सम संख्या हो। एक सम संख्या होने का मतलब क्या है, कि दो से कटने का नियम है कि वो संख्या तभी दो से डिविजिबल होगी जब उसके इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब वो क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी। अगर हम रूल ऑफ थ्री देखें, तो रूल ऑफ थ्री क्या है, कोई संख्या तीन से कब डिविजिबल होगी, तो कोई संख्या तीन से तभी डिविजिबल होगी जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय थ्री, मतलब संख्या के अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, तीन से, मतलब संख्या के अंकों का योग अगर तीन से कट जाए तो इसका मतलब है वो संख्या भी तीन से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये संख्या तीन से कटेगी कि नहीं चेक करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट, हम डिजिट का सम करेंगे, तो मतलब 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ऐड करें हम जोड़ेंगे 4 2 6 6 12 3 15 2 17 और 1 18, सम ऑफ डिजिट 18 है। क्या है, 3 से कट रहा है, यस कट रहा है, इसका मतलब है ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, वो सिंपल सा रूल है, 4 के रूल की तरफ आते हैं। 4 का नियम क्या है, 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 24, वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 5 की तरफ आते हैं, तो रूल ऑफ 5 क्या कहता है, रूल ऑफ 5 कहता है 0 हो या 5 हो, आसान है, 0 हो या फिर 5 हो वो 5 से कटेगा। रूल ऑफ 6 क्या कहता है, रूल ऑफ 6 कहता है कि वे संख्याएं 6 से कटेंगी, वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 के रूल को फॉलो करती हो, जो 2 और 3 के रूल को फॉलो करें, जो 2 और 3 के रूल को फॉलो करें वो संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी। इसका मतलब है 2 का रूल क्या होगा, 2 का रूल देखने से ही पता चलता है कि संख्या सम है कि नहीं है। अगर हम संख्या को देख लें, जैसे इसी को देखते हैं तो 2 का रूल लग रहा है, 4 है, इसका मतलब 2 का रूल लगेगा, साफ साफ है। तो ये संख्या 2 के रूल तो फॉलो कर रही है, क्या ये 3 का रूल भी फॉलो कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है, ये संख्या 2 को और 2 और 3 दोनों के रूल को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है ये संख्या छह से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, रूल ऑफ 7 पे चलते हैं। रूल ऑफ 7 क्या होता है, रूल ऑफ 7 ये कहता है कि इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर मान लेते हैं 882 एक नंबर है, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बचे नंबर में, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बचे नंबर में इकाई के अंक का दुगना घटा दिया जाए और जो नंबर बचे अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। फिर से सुनिए, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई का दोगुना घटा देने पर बची हुई संख्या अगर 7 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, रूल ऑफ 8 क्या है, रूल ऑफ 8 कहता है जैसे रूल ऑफ 4 बोलता है वैसे रूल ऑफ 8 भी बोलता है कि लास्ट की 3 डिजिट किससे कट जाए, 8 से, वो क्या होगा, रूल ऑफ 8 को फॉलो कर देगा। ठीक है, रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 9 ये कहता है कि रूल ऑफ 9 भी बहुत सिंपल सा आसान है, रूल ऑफ 9 कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, रूल ऑफ 9 को भी फॉलो करेगा। रूल ऑफ 11 क्या है, अल्टरनेट वैल्यू, ठीक है, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, मतलब अल्टरनेट वैल्यू इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सवाल हम लोग देखते हैं, एक सवाल है एग्जांपल के तौर पर, शायद मे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर लिखते हैं कह रहा है सिक्स सेवन थ्री फाइव स्टार वन। ठीक है, कह रहा है ये नंबर 9 से विभाजित है,
6735*1 कह रहा है 6735*1 9 से विभाजित है, 6735*1 9 से विभाजित है। ये जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहा है ये कंटेंट काफी सिंपल है और इजी टू वे है, ये स्पेशली फॉर टेट है उनको समझाने के लिए, तो जो लोग बेसिक है वो आराम से इसे सीख सकते हैं आसानी से। अभी एक दो वीडियो और भी आएंगे तो हम लोग देखते हैं 6735*1। 6735*1 में पूछा है, ये बोला गया है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, मतलब बोल दिया उसने ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, स्टार की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है रूल ऑफ 9 लगाएंगे, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9, 6+7 कितना होगा हम जोड़ेंगे 13+3 16 और 5 21+1 22, तो 22+*9। अब 9 से तो कटना ही कटना है तो स्टार की जगह क्या रखें, तो हम 9 का टेबल पढ़ें तो 9 3 27 होता है, 9 3 27, तो 27 लाने के लिए हमें स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं, 11 पर पूछता है, 5 पर पूछता है, 7 पर पूछ सकता है, 6 पर पूछ सकता है, 9 पर पूछ सकता है, 3 पर पूछ सकता है, वो किसी पर भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे सवाल मिल सकते हैं हमें वहां पर। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ चीजें सीखी, बहुत कुछ चीजें जानी भी, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम नंबर को सीखने की पद्धति होती है, इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। हमने डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत सीखा था, कुल हमें 10 नंबर सिखाए गए हैं 0 से लेकर 9 तक। उन नंबरों का प्रयोग करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, किसी भी नंबर की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो उसका स्थानीय मान उसका जो और दूसरा उसका जातीय मान। स्थानीय मान स्थान पर डिपेंड करता है जबकि जातीय मान स्थान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं कभी कभी, तो इसको भी अच्छे से आप देखिएगा। देन आगे हम लोग आए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में, तो हमने वहां रियल नंबर सीखा, सबसे छोटा रियल नंबर 1 होता है। ठीक है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को भी देखा, रियल नंबर को भी देखा। रियल नंबर डिवाइड इन टू पार्ट्स, कौन कौन सा, फर्स्ट इज डेसिमल, देन सेकंड इज इंटीजर। पहला वास्तविक संख्याओं को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला पार्ट था दशमलव, दूसरा पार्ट था पूर्णांक। दशमलव भी दो तरीके के होते हैं, दशमलव की वे संख्या है जो रिपीटिंग है, मतलब जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, उनके रेपिटेशन को खत्म किया जा सकता है, उनकी पुनरावृत्ति को खत्म किया जा सकता है और उन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इन्हें ही परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या है, वे दशमलव की संख्याएं जो रिपीट नहीं करती और जिनके रेपिटेशन को खत्म भी नहीं किया जा सकता, जब रिपीट ही नहीं करती तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो P अपॉन Q के फॉर्म में भी नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। बेस्ट एग्जाम्पल पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। देन आगे हम लोग चले थे इंटीजर को, हमने सीखा था इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, एंड इंटीजर में खास बात सीखी थी हमने जीरो के बारे में। तो जीरो कैसा है, जीरो एक इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो जीरो का आविष्कार हमने देखा, थोड़ा हम कहानी को पीछे से लाए थे, पीछे से हमने समझा कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। तो जीरो का जब आविष्कार हुआ, जब वो गिनती पर शामिल होने को आया, तो ये सोचा गया जीरो को रखा कहाँ जाए, तो ये हुआ कि जीरो को आप नेचुरल नंबर के साथ अगर कंबाइन करा दें, तो जीरो इज अ कंबाइन विथ नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो क्या जीरो एक होल नंबर है, नहीं, जीरो एक होल नंबर नहीं है, जीरो बिल्कुल भी एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जीरो होल नंबर नहीं है तो है क्या, जीरो इज अ इंटीजर। जीरो कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, तो जीरो इज अ इवन इंटीजर एंड जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो जीरो की कहानी खत्म हो गई थी, हमने वन को भी सीखा था, वन नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम, मतलब जीरो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। भाज्य अभाज को भी सीखा था, भाज्य अभाज में एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक से लेकर अगर हम 10 तक के देखें तो एक से लेकर प्राइम नंबर में 1 to 50 कितने प्राइम होंगे, 1 to 50 15 प्राइम होते हैं, 50 to 100 कितने प्राइम होंगे, तो कुल 10 प्राइम होते हैं, मतलब 1
100 की अगर बात करें तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी पूछा गया था एक बार सवाल कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम कंपोजिट को सीखा हमने, इसके बाद कुछ सवाल देखे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी देखी।